नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। आईपीएल सीजन 13 शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है, 2 हफ्तों का बस समय रह गया है और इस दौरान खिलाड़ियों का आईपीएल से नाम वापस लेने का सिलसिला जारी है। कई बेहतरीन खिलाड़ियों ने आगामी आईपीएल सीजन से अपना नाम वापस ले लिया है, कोई निजी कारणों की वजह से तो कोई अपने घरेलू क्रिकेट सीजन पर ध्यान लगाने की वजह से इस बार आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है। आइए हम आपको बताते हैं उन 7 बड़े खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने इस बार नाम वापस लिया है और आईपीएल में आप उन्हें खेलते हुए नहीं देखेंगे। लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम सुरेश रैना का है। आईपीएल के दूसरे लीडिंग रन स्कोरर है और निजी कारणों की वजह से सुरेश रैना ने अपना नाम वापस ले लिया है। हालांकि खबरें एमएस धोनी से हुए विवाद को लेकर भी है। कहा जा रहा है कि धोनी और रैना के बीच में कहासुनी हुई और इसी वजह से रैना ने आईपीएल में इस सीजन ना खेलने का फैसला किया। दूसरा नाम चेन्नई सुपर किंग्स के ही हरभजन सिंह का है। हरभजन सिंह ने कहा था कि वो अपनी मां का इलाज के लिए इस समय भारत में है और वो सितंबर के पहले हफ्ते में यूएई पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हरभजन ने निजी कारणों का हवाला देकर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तीसरा नाम केन रिचर्डसन का है। इस बार नीलामी में आरसीबी ने रिचर्डसन को अपनी टीम में शामिल किया था, पर केन रिचर्डसन ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके पीछे की वजह यह है कि रिचर्डसन की पत्नी प्रेग्नेंट है और वो अपनी वाइफ के साथ समय बिताना चाहते हैं। चौथा नाम मुंबई इंडियंस के लसिथ मलिंगा का है। खबर है कि मलिंगा के पिता की हालत खराब है और इस वजह से उन्होंने आईपीएल में ना खेलने का फैसला किया। पांचवा नाम इंग्लैंड के स्टार ओपनर बल्लेबाज जेसन रॉय का है। दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार जेसन रॉय को अपनी टीम में शामिल किया था, पर जेसन रॉय ने चोट की वजह से अपना नाम वापस ले लिया। जेसन रॉय इस बार दिल्ली के लिए इस सीजन आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। छठा नाम इस लिस्ट में इंग्लैंड के ही हैरी गर्नी का है। हैरी गर्नी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पिछले आईपीएल में खेले थे और इस बार भी वो इस आईपीएल में उतरने वाले थे, लेकिन कंधे की चोट की वजह से हैरी गर्नी ने अपना नाम वापस ले लिया। सातवां नाम क्रिस वोक्स का है। क्रिस वोक्स आईपीएल 2020 में उतरने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी निजी कारणों का हवाला देते हुए आईपीएल में ना खेलने का फैसला किया है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।